इसराइल की उत्तरी सीमा पर एक बाग में एक भारतीय की जान चली गई है। इसराइल के मुताबिक हिजबुल्ला के हमले में इस भारतीय की जान गई है, साथ ही दो लोग घायल भी हो गए। बताया गया है कि ये तीनों लोग केरल से जुड़े हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी इसराइल के गलीली क्षेत्र में मार्गलियोट के एक बाग में मिसाइल गिरी थी। लेबनान बेस्ड हिजबुल्ला गजा पट्टी में चल रहे इसराइल हमास युद्ध में हमास का समर्थन कर रहा है। ऐसे में हिजबुल्ला लगातार उत्तरी इसराइल में रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। इसराइल भी इसके जवाब दे रहा है। ऐसे में एक और मोर्चे पर बड़ा युद्ध छिड़ने की आशंका लगातार बनी हुई है। इसराइल हमास युद्ध तब शुरू हुआ था जब फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला किया था। हमास के उग्रवादी इस हमले के दौरान लोगों को बंधक बनाकर गजा भी ले गए थे। इसराइल बार बार कहता रहा है कि उसका अभियान हमास के हमले के जवाब में है और ये हमास के खात्मे तक जारी रहेगा। हालांकि इसराइली हमलों में लगातार आम लोगों के हताहत होने की खबरें भी सामने आती रही हैं। ऐसे में युद्ध विराम की मांग तेज हो गई है। पिछली बार जब युद्ध विराम हुआ था तब फिलिस्तीनी कैदियों और बंधकों की अदला बदली भी हुई थी, मगर अब युद्ध विराम पर सहमति नहीं बन पा रही। पिछले कुछ दिनों में इसे लेकर अमेरिका और बाकी देशों ने कोशिशें की हैं, मगर अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है।